वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमाज कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे बैड बॉय मूवी के टोटल 12 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे मूवी बॉक्स ऑफिस पे हुई हिट, सुपर हिट या फिर हुई ब्लॉकबस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस मूवी के जो लीड में आपको एक्टर दिखाई देंगे वो और कोई नहीं बल्कि अपने मिथुन दा के बेटे अर्थात नवासी चक्रवर्ती जी हैं। जी हाँ गाइस, तो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नवासी चक्रवर्ती की ये जो है कि करियर की फर्स्ट मूवी है और भी कैसे कि डेब्यूट मूवी है। और इस मूवी का जो बजट था वो मतलब कई सारे लोग बोल रहे थे कि 30 करोड़ है, बट जो एक्चुअल बजट है वो केवल 6 करोड़ है। जी हाँ गाइस, केवल मतलब बहुत ही मिनिमल बजट के साथ बनाई गई है इस मूवी को, और केवल इसका बजट जो है वो 6 करोड़ है। और बात करते हैं यानी कि इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो जैसे कि आपको पता ही होगा शायद कि इस मूवी को जो है यानी कि PS2 और एजेंट मूवी के साथ रिलीज़ किया गया था, जिस वजह से इसको स्क्रीन काउंट में जो है कि बहुत सारी गिरावट देखने को मिली। और इस मूवी ने जो है कि केवल 700 स्क्रीन सी ऑक्यूपाई कर पाई, यानी कि 700 स्क्रीन सी इस मूवी को मिली केवल, और जिस वजह से यानी कि जो है कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ा सा वो देखने को मिला, बट फिर भी यानी कि इसने एक डिसेंट कलेक्शन किया। अगर स्क्रीन काउंट के हिसाब से देखा जाए तो इस मूवी ने पहले दिन अपने 1 करोड़ 80 लाख का मतलब बेहतरीन ओपनिंग लिया। बात करते हैं दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दूसरे दिन भी इस मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया और एक अच्छा सा होल्ड बनाते हुए 1 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया। बात करते हैं तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, और तीसरे दिन था संडे, तो संडे को इस मूवी ने कमाई 2 करोड़ 10 लाख, और मतलब कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहा संडे को अगर और दिनों के कंपेयर में करी जाए। अब बात करते हैं यानी कि नेक्स्ट यानी कि मंडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मंडे को इस मूवी ने कमाई 1 करोड़ 20 लाख रुपए। जी हाँ गाइस, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो इससे आप जान ही सकते हैं मतलब कि इस मूवी ने जो कलेक्शन है वो तो कम हो नहीं रहे। और इस हिसाब से अगर इसके जो टोटल 11 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जाए तो इंडिया से जो नेट कलेक्शन हो रहा है इस मूवी का वो रहा है 13 करोड़। जी हाँ गाइस, इस मूवी का जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो यानी कि 12 दिनों का वो 13 करोड़ हो चुका है। बात करते हैं आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आज ये मूवी लगभग 30 लाख कमा रही है। जी हाँ गाइस, 30 लाख, जिससे कि इसका टोटल यानी कि 12 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा वो 13 करोड़ 20 लाख रुपए। अब बात करिए बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है वो हो चुका है 15 करोड़ 70 लाख रुपए। जी हाँ गाइस, 15 करोड़ 70 लाख रुपए। और एक ये मतलब कि ऑलरेडी सुपरहिट मूवी बन चुकी है। आपको क्या लगता है कि मूवी जो है नवासी चक्रवर्ती की यानी कि करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है अभी तक या नहीं, और आपको क्या लगता है कि मूवी आगे चल के एक मतलब कि ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल करेगी सुपरहिट का या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का? आपको जो भी लगता है आप कमेंट में राय अपनी जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।